Hey guys, good morning. आज मैं आपको पास्कल लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, ठीक है? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ गिवन। गिवन क्या है देखते हैं। A hydraulic press has a ram of 30 सेंटीमीटर diameter, ठीक है? तो यहाँ हम लिख देते हैं छोटा डी, या एक काम करते हैं रैम है तो रैम को हम रोटेशन दे देते हैं कैपिटल डी वन। कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसी को हम क्या बोल देंगे मीटर में कन्वर्ट करके 0.3 मीटर, ध्यान रहेगा। देन एंड अ प्लंजर ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। प्लंजर का डायमीटर हम मान लेते डी टू, ध्यान रहेगा। उसे हम यहां पे मैं लिख देता हूं डायमीटर ऑफ रैम, और ये क्या है डायमीटर ऑफ प्लंजर, ठीक है? इसका वैल्यू कितना है 4.5 सेंटीमीटर, और इसी को हम ऐसा बोल सकते हैं कितना रह जाएगा ये 0.04 मीटर, ठीक है? डायमीटर हमें दिया है, साथ ही साथ क्या बोला है फाइंड द वेट लिफ्टेड बाय द हाइड्रोलिक प्रेस व्हेन द फोर्स अप्लाइड एट द प्लंजर इज 500 न्यूटन। तो हमें क्या निकालना है टू फाइंड हमें बोला है वेट लिफ्ट कितना हुआ वो हमें निकालना है, ठीक है? व्हेन द फोर्स अप्लाइड एट द प्लंजर, जब प्लंजर पे फोर्स लगेगा, मतलब मैं इसे मान लो एफ इक्वल टू 500 न्यूटन। ये कहां पे फोर्स लगने वाला है प्लंजर पे। तो पहले इसके लिए हम एक डायग्राम निकालते हैं, ठीक है? तो चलो हम डायग्राम पे बढ़ते हैं। एक बात बताइए दोनों में से डायमीटर किसका कम है प्लंजर का, तो प्लंजर कहां आ जाएगा यहां आ जाएगा, ये प्लंजर सेक्शन। देखिए ऐसी चीज कब इस्तेमाल की जाती है कि जैसे कि हम ब्रेक इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज, कि कम प्रेशर पे हम क्या कर सके ज्यादा आउटपुट ले सके, इतना मैं समझता, ठीक है? तो यहां पे प्लंजर से हम क्या लगाएंगे फोर्स लगाएंगे, ठीक है? यहां मान लेते हैं लिक्विड है या ऑयल है, और यहां पे क्या है रैम, रैम का वेट है हमारे पास, तो ये रैम है, तो यहां का डब्ल्यू हमें निकालना, यहां का फोर्स हमें दे दिया कितना है 500 न्यूटन, यहां का हमें वेट निकालना है कि ये वेट कितना लिफ्ट हो रहा है, मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ये अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वेट हमें क्या करना है लिफ्ट कर, ठीक है? ध्यान रहेगा। इसका डायमीटर हमें दिया है कितना है 0.3 मीटर, और इसका हमें दिया है 0.04 मीटर, ठीक है? तो हम क्या करेंगे पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है? तो यहां से मैं एरिया A1 बोलता हूं तो क्या हो जाएगा पाई बाय 4 D1 स्क्वायर, ठीक है? तो पाई बाय 4 इंटू D1 का स्क्वायर मतलब 0.3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.07068 मीटर स्क्वायर, ठीक है? आप सॉल्व करके देखोगे तो इतना वैल्यू आएगा, साथ ही साथ इसका हमने यूनिट क्या लिख दिया है मीटर स्क्वायर। जब A2 का वैल्यू निकालोगे क्या हो जाएगा पाई बाय 4 D2 स्क्वायर, पाई बाय 4 D2 का वैल्यू कितना है हमारे पास 0.045 है हमारे पास क्वेश्चन में इसका स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.00159 मीटर स्क्वायर, ध्यान रहेगा, ठीक है? अब ये तो आ गया हमारे पास, तो पहले हम क्या करेंगे देखिए एक चीज से हमें देख के समझती है कि यहां से जो प्रेशर लगने वाला है या फोर्स लगने वाला है वो क्या होगा यहां से ट्रांसमिट होगा, क्या होगा यहां से ट्रांसमिट। तो हमारे पास फोर्स दिया है उसका एरिया दिया है, क्या हम प्रेशर नहीं निकाल सकते हैं? चलो फिर निकलते हैं, फिर आगे हम क्या करते हैं प्रेशर निकालते, तो इसे मैं मिटाता हूं चलेगा यहां पे, और यहां लिखता हूं प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू प्लंजर, किसकी वजह से अभी हम प्लंजर की वजह से देखते हैं, तो प्लंजर की वजह से प्रेशर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा इक्वल टू, या यहां लिख दो प्रेशर इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर का तो फॉर्मूला पता है आपको क्या है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स कितना है 500 न्यूटन, एरिया कितना है एरिया किसका यहां पे हम यूज करेंगे प्लंजर का, तो एरिया कितना आया था ये 0.045 था, कितना है एरिया 0.00159,
ये समझा क्या? इसका जो आंसर आएगा किसमें आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें प्रेशर का यूनिट पता है। पर एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि जो प्रेशर वहां क्रिएट होगा वही प्रेशर कहां पे आएगा? यहां पे आएगा, मतलब ड्यू टू पास्कल लॉ। इसका आगे हम क्या लिखेंगे कि हमें पता है, कहां से हमें पता है? ड्यू टू पास्कल लॉ द प्रेशर इंटेंसिटी एट द प्लंजर इट शुड बी इक्वल टू द रैम। ठीक है, जो प्रेशर इंटेंसिटी प्लंजर पे रहेंगी वो कहां रहेगा? इक्वल टू प्रेशर इंटेंसिटी एट रैम, ध्यान रहेगा। तो जो इसका वैल्यू आएगा प्रेशर इंटेंसिटी का, वही वैल्यू हम किसमें इस्तेमाल करेंगे? हम करेंगे इस्तेमाल रैम। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमने लिख दिया यहां पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें किसके लिए निकालना है? इसके लिए। तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? प्रेशर इंटेंसिटी का। यहां लिख देंगे प्रेशर इंटेंसिटी एट द रैम। इसका वैल्यू तो हमें पता है, प्रेशर इंटेंसिटी दोनों का सेम है, मतलब यही वैल्यू आ जाएगा। पर हमें पता है कि क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला? फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यहां पे फोर्स नहीं मांग रहा, यहां पे क्या? वेट मांग रहा। फोर्स मतलब ही क्या होता है? वेट, और वेट मतलब ही क्या होता है? फोर्स। तो मैं इसे मिटा के लिख दूं, ये यहां पे क्या मांग रहा है? मैं डब्ल्यू मांग रहा। साथ ही साथ एरिया इसका क्या है? ए वन का, मतलब रैम का 0.0706। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से? डब्ल्यू इक्वल टू 0.07068 मल्टीप्लाइड बाय 500 डिवाइडेड बाय 0.0015। ध्यान रहेगा, और इसी को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 22.22 किलो न्यूटन, या जिसे आप बोल सकते हो 22222 न्यूटन। ध्यान रखा कैसे कि हमने क्या अंडरस्टैंडिंग रखा? हमने कि हमें पता है पास्कल्स लॉ की वजह से क्या होता है? प्रेशर इंटेंसिटी एट प्लंजर इट शुड बी इक्वल टू द प्रेशर इंटेंसिटी एट रैम। वही कॉन्सेप्ट से हमने निकाला यहां पे। ठीक है, ध्यान रखा कैसे वैल्यू, और ये लास्ट में आपका इतना वैल्यू आ जाएगा। यहां पे आपने ये वैल्यू नहीं निकाला चलेगा, लास्ट में आप उसे निकाल सकते हो। ध्यान रखा आपको। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे रिलेटेड पे पास्कल्स लॉ पे और एक एग्जांपल मैं सॉल्व करके दूंगा। तो कीजिए मेरा वेट, मैं आता हूं कुछ टाइम में। थैंक यू।